So let's start today's lecture. In the last time, uh, what we did was we uh, went over the rectangular coordinate system, all the system that you have studied in your metric and FSC. Uh, today we will be moving towards cylindrical coordinate system. When we talk about cylindrical coordinate system, we said that we use different coordinate systems use because the types of things that we have to analyze. दे आर ऑफ डिफरेंट जोमेटिकल शेप्स तो हम ये देखेंगे कि जो मैक्मम शेप्स हमें इनकाउंटर होती हैं ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एनालिस वो कौन सी होती हैं तो स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल ये दो चीज़ें इस तरह की हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अबंडेंटली मिलती हैं एनालिसज करने के लिए उसके अलावा जब हम बहुत ज़्यादा रैंडम ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं तो फिर हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और उसके लिए हम नॉन औरथोल कोर्डीनेट सिस्टम्स की तरफ मूव किया करते हैं लेकिन एज़ फार एज़ दिस कोर्स इज़ कंसर्न हम लोगों ने जो हमारा मेजर फोकस uh, रहेगा वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप्स uh, की तरफ स्फेरिकल शेप्स की तरफ रहेगा लेकिन हम uh, जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हम डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स की तरफ भी मूव करते हैं और उनको हम uh, किस तरह से डील करेंगे वो फिर हम जब uh, उस जगह पे पहुंचेंगे तो आपको नज़र आएगा अभी के लिए सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बेसिकली uh, आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक रेफरेंस फ्रेम है जिसको आप लेके चल रहे होते हैं अब रेफरेंस फ्रेम से क्या आ, मतलब है रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आ, किस टाइप के एक्सेस हैं जिसके ऊपर हम उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं या जिस परस्पेक्टिव से हम उसको देख रहे हैं तो कार्टीजियन के अंदर हमारे पास तीन लेंस थी एक एक्स था एक वाई था और एक जी था इसके केस में ऑब्वियसली हमारे पास अब जो वो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ थी इसके केस में हमारे पास क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब हम हिलेंड्रिकल शेप की तरफ मूव करते हैं तो द मेन चैलेंज दैट वी फेस इज़ कि उसके अंदर आपको एक कर्वेचर मिलता है अब हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हों इसके वो इस तरह के हों जो उस कर्वेचर को भी कंसिडर uh, करें तो जो हमारे पास पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं वो हमारे पास ये तीन पैरामीटर्स हैं एक को हम बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस इन एक्स वाई प्लेन रेडियल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इफ़ यू हैव ए सिलेंडर ओवर हेयर जस्ट लाइक दिस तो जो रेडियल डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा जो रेडियस होगा इस सिलेंडर का फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट इस करवेचर की तरफ ठीक है उसको आप बोलेंगे कि वो आपके पास रेडियल डिस्टेंस है और अगर आप देखो तो वो हमेशा आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर नज़र आएगा फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा पैरामीटर होता है या जो दूसरा इसके अंदर पैरामीटर है वो फाई है फाई क्या होता है फाई बेसिकली एक एंगल है और उसको हम मैयर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अभी हम इसको आगे और डिपिक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा और थर्ड जो आपके पास पैरामीटर है वो आपके पास जी है जी बेसिकली क्या है वो हमें अमूमा हाइट बता रहा होता है तो ये जो जी है ये सेम है जैसा हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर था तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि दो नए पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई को रिप्लेस किया उन्होंने आर और फाई ने और थर्ड पैरामीटर जो जी है वो सेम ही है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर था ये आ जाता है वाई डू वी नीड सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं कि सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इट इज़ यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्स विद सिलेंडिकल सिमेट्री इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ ऑफा ट्रांसमिशन लाइन अगर आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है ओब्वियसली तो उसकी आपने पर यूनिट लेंथ के ऊपर आपने उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो एट दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देगी उसके ऊपर एनालिसिस करना कैसे वो हम आगे जब इसको अप्लाई करेंगे तब देखेंगे अभी तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक्चुअली है क्या ठीक हो गया तो यूनिट वेक्टर्स की तरफ आते हैं ताकि हमें पता लगे कि एक डिपिक्शन है ये फर्ज कर लेते हैं एक हमारे पास सिलेंडर का एक पार्ट है जो हमने कट किया हुआ है समझने के लिए कि सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या उसकी वो जो तीन पैरामीटर्स हमने देखे आर फाइव और जी वो किस तरफ को पॉइंट करते हैं और ऑब्वियसली ये है तो एक्सिस ही ना हम इसको रिलेट करेंगे रेक्टेंगुलर रेफरेंस फ्रेम के साथ और फिर हम देखेंगे कि ये उससे किस तरह से डिफरेंट है ठीक हो गया तो ये आपके पास जो अभी एक्सेस जो रेफरेंस फ्रेम ड्रा हुआ हुआ है ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कोऑर्डिनेट कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर जो है वो हमने ड्रॉ किया हुआ है ताकि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख सकें कि ये क्या चीज़ है इसमें अगर हम आ, रेडियल की बात करेंगे जो आर है जो रेडियस है पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हमेशा ओरिजिन से बाहर की तरफ निकल रही होगी जैसे आप ये देखें तो अगर इस पॉइंट में आप देखेंगे तो ये आपके पास रेडियस है तो यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन होगी जो यूनिट वेक्टर होगा आर का जिसको हम आर हैड भी बोल सकते हैं या ए आर हैड बोल सकते हैं ये जो यूनिट वेक्टर है इट विल ऑलवेज़ पॉइंट आउटवर्ड्स यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी यही होगा इट विल पॉइंट आउटवर्ड्स ठीक है और सिमिलरली अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको यही नज़र आ रहा है कि ये जो ए जो यूनिट वैक्टर है हमारे पास हैड ये बेसिकली इट इज़ पॉइंटिंग आउट वर्ड फ्राम द सर्फेस ऑफ दिस सिलेंडर और फाई आपके पास क्या है फाई आज़मत एंगल होता है फाई को हमने कहा था कि फाई को हमेशा हम मैयर करेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस ये हमारे पास एक्स एक्सिस है अब फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास ये लाइन है रेडियस की जो हम एट एनी इंस्टेंट देख रहे हैं जैसे ये ऊपर लगी हुई है तो ये हम इस लाइन को देख रहे हैं तो इस लाइन का जो एंगल है वो आपका क्या है वो फाई है ठीक है और वो मैयर कहाँ से हो रहा है वो हमेशा एक्स एक्सिस से मैयर होगा ये लाइन अगर इस साइड पर होगी तो ओबियसली एक्स एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक आएगा अगर ये लाइन वो वाली है जो ये ब्लैक लाइन है जो ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो जो इसका एंगल होगा वो यहाँ से यहाँ पे होगा वो अगर यहाँ पे भी होगी ये अभी ड्रॉ तो नहीं किया हुआ फर्ज कर लेते हैं कि ये यह सिलेंडर यहाँ तक है ये यह अगर यहाँ पे भी होगी तो वंस अगेन द एंगल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्स एक्सेस हमने हमेशा इसको एक्स एक्सिस से मैर करना है कि हमारा फाई जो है वो बेसिकली क्या है अब क्योंकि फाई रोटेट कर रहा है फाई uh, यू एक सर्कल के अंदर घूम रहा है तो एट एनी पॉइंट हमें तो चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी तो एट एनी पॉइंट अगर हम ये देखें कि डायरेक्शन क्या होती है तो जैसे हमें पता है कि एक चीज़ जो एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है और हमने एट एनी इंस्टेंट उसकी डायरेक्शन देखनी हो तो वो क्या होती है उस पॉइंट से जो भी टेंजेंट निकल रहा होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है तो फ़र्ज़ कर लिया हम इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे फाई की या फाई हैट की जो जो यूनिट डर है हमारा वो क्या होगा तो वो एट दिस फ्राम दिस पॉइंट टेंजेंट आउटवर्ड जो भी होगा वो हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा जो उसने यहाँ पे ए फाई हैट से शो किया हुआ है सिमिलरली जो थर्ड एक्सिस है वो तो एज़ यूजल हमारे पास एक लेंथ ही है और वो जी है और वो ऊपर की तरफ जी एक्सिस की तरफ जो है उसका पॉइंट है तो ये जी हैट अब इसमें हमें तीनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो पता लग गए कि वो किस तरह से पॉइंट करते हैं किस तरफ को पॉइंट करते हैं फाइव विल ऑलवेज़ बी टेंजेंट और आर जो है विल ऑलवेज़ कम आउटवर्ड्स फ्राम दी औरिजन और जो जी है इट विल अपॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ जी जो हमारा पुराना था ठीक हो गया तो इसको हमने देख लिया हमें यूनिट वैक्टर्स का जो है वो हमें अंदाज़ा हो गया अब अगर हम पॉइंट रिप्रजेंटेशन की लिमिट्स की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि हम लिमिट्स कैसे लिखें ठीक है लिमिट्स का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ़ जी जो है वो क्या हो सकती है मैक्सीम और मिनिमम तो हमें पता है कि वो तो एक लेंथ है सिलेंडर की लेंथ कितनी भी हो सकती है ऊपर जितनी मर्जी चली जाए नीचे जितनी मर्जी चली जाए तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन जो है वो इसकी रहेगी हमेशा तो क्या z जो है हमारा वो माइनस सॉरी इज इक्वल लेस देन है इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ठीक है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है इसकी ऑब्वियसली इन्फिनिटी नहीं हो सकती इसलिए मैंने नीचे वो इज इजिक्वल टू वाला साइन जो है वो मैंने नहीं डाला फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ तो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है रेडियस रेडियस हमारा क्या हो सकता है ठीक है तो रेडियस हमारा अगर आप देखें तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होना है हमेशा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि या जीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा और कितना हो सकता है तो जितना मर्जी हो ज़ीरो से ले कर आगे सिलेंडर जो है वो जितनी मर्जी लेंथ तक सक जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनी से कम कम जितना मर्ज़ी इन्फिनिटी तक आपकी जो आर की वैल्यू है वो जा सकती है लिमिट इसकी ये हो जाएगी थर्ड जो चीज़ है आपके पास वो आपके पास है एंगल फाई अब फाई जो एक्स एक्सेस से मैयर कर रहे हैं हम तो फाई की वैल्यू क्या हो सकती है फाई एक्स एक्सेस से मैयर होगा यानी फाई ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से इंक्रीज़ भी हो सकता है और ये कहाँ तक जा सकता है ये टू पाए तक जा सकता है ठीक है जस्ट बिफोर टू पाए ये इसकी लिमिट है टू पाए के ऊपर अगर आ जाएगा अगर यहाँ हमने इक्वल टू तो का साइन इसलिए नहीं डाला कि टू पाई के ऊपर आ जाएगा तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही हो जाएगा तो हम या टू पाई के ऊपर इक्वल डालेंगे या ज़ीरो के ऊपर इक्वल डालेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है जो हम जो भी पॉइंट हम इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ठीक हो गया तो वो आपको यहाँ पे नजर आ गया थे आर हमारा ज़ीरो से लेके इन्फिनीटी तक रेडियस कुछ भी हो सकता है phi हमारा ज़ीरो से लेके टू पाई तक कुछ भी हो सकता है और जी जो है वो हमारा क्योंकि हाइट है तो वो माइनस इन्फ़िनी uh, से लेके प्लस इन्फिनी तक उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है अब अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने ये जो ड्रा किया हुआ है वो कार्टीजन ही किया हुआ है और इसके ऊपर उसने एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि ये एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अगर हमने करनी हो कि कैसे होगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो उसने एक पॉइंट दिया हुआ है जो एक्स वाई जी के लिहाज से पी ऑफ एक्स वाई जी था और आर फाइव जी के लिहाज से वो पी ऑफ आर फाइव जी होगा ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि पॉइंट इन एनी स्पेस वो तो कॉन्स्टेंट है रेफरेंस uh, फ्रेम जब हम चेंज कर रहे हैं तो जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है हम बेसिकली अपना परस्पेक्टिव चेंज कर रहे हैं अपना रेफरेंस चेंज कर रहे हैं तो अगर हम इसको फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो वी विल कॉल इट पी आर फाई जी आर फाई जी के अंदर हमें यह देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू अपना फाई की वैल्यू क्या होगी और जी की वैल्यू क्या होगी जी की वैल्यू तो वही होगी जो कार्टीजियन के अंदर थी ठीक है आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी तो आर की वैल्यू हमने कहा था कि आर जो है हमारा वो बेसिकली रेडियल uh, डिस्टेंस है किधर से औरिजन uh, अपना ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक तो वो हम इधर भी ड्रा कर सकते हैं या उसकी प्रोजेक्शन उसने नीचे एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा की हुई है तो ये भी ड्रा कर सकते हैं ऑब्वियसली जो भी सिलेंडर आप बनाएंगे अगर वो प्रॉपर सिलेंडर है तो थ्रू आउट द जी एक्सिस उसका जो रेडियस है वो कॉन्सटेंट ही रहेगा अगर वो सिलेंडर है ऑब्वियसली ये मेरी लाइन गलत हो गई है तो ये वाला आर यहाँ पे भी आर यही होगा यहाँ पे भी आर यही होगा यहाँ पे भी आर यही होगा तो हम इसको कहीं भी ड्रा कर सकते हैं तो ये हमारे पास इस पॉइंट के लिहाज से ये हमारा डिस्टेंस था वो हमने उसको नीचे एक्स फाइव प्लेन के अंदर ड्रा किया हुआ तो ये उसने उसको आर से डिपिक्ट कर दिया थर्ड चीज़ होती है एंगल के एंगल जो होगा हमारा फाइव वो क्या होगा तो वो अगर ये पॉइंट था ओबियसली तो इसमें ये जो आर है हमारा वो जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसको हमने फाइव कह दिया होगा तो ये हमारे पास पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गई सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इससे नेक्स्ट हमारा काम है पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है अब हम जब भी नया कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ लाजमी पढ़नी पड़ेगी कि अगर हमने हमारे पास एक चीज है वो हमें कर्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दी हुई है एंड वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हाउ वुड वी डू दैट तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैथडोलॉजी वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे तो अगर हमें एक पॉइंट दिया गया है जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है एंड वी वांट इट टू बी कन्वर्टिड या वी वांट इट टू बी ट्रांसफॉर्म इन टू कार्टिजन कॉर्डिनेट सिस्टम तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास वाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास जी की वैल्यू गिवन है पर हम चाहते ये हैं कि हम एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जी की वैल्यू निकालें इसका मतलब हमें हमारा गोल जो है वो इस सारे काम का ये है कि हमें एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर फाई एंड जी ठीक है अब जी को तो हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है हमने कहा था इस केस में ये जी जो है दोनों सेम होते हैं कार्टीजियन का भी और सिलेंड्रिकल का भी तो जो मेजर चीज़ें हैं जिन्हें हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है वो एक्स है एक्स को हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ आर फाई क्या होगा फाई का पता होना चाहिए कि वो इन टर्म्स ऑफ आर फाई हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी उसको देखने के लिए हम फिर दोबारा एक्स वाई जी के ऊपर हमने वही पॉइंट ड्रॉ कर लिया और अब हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको आ, आ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो ये हमारे पास पॉइंट था ये उसका जी था ये आर था और ये उसका फाई था अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि इसको हम एक्स एक्सिस पे कैसे कन्वर्ट करें वाई एक्सिस पे कैसे कन्वर्ट करें तो हम इस आर का देखते हैं कि इस आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा है तो ये अगर आप देखो तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये एंगल है हमें पता है कि ट्रिक बेसिक रिग्नोमेट्री से एंगल के अपोजिट वाला जो भी कंपोनेंट होता है वो आपके पास क्या होता है साइन कंपोनेंट होता है और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कॉज कंपोनेंट होता है तो फाई के अपोजिट जो साइड है वो हम कह सकते हैं अगर हम इसको रीड्रॉ करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए तो इस तरह से हम इसको रिड्रा कर सकते हैं ये हमारे पास आर है ये हमारे पास फाई है ठीक हो गया और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास आर कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है ठीक हो गया तो हम ये देखेंगे कि ये वाली जो हमारी साइड है क्योंकि ये इसके अपोजिट है तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास आर साइन फाई है और ये वाली जो साइड है इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास आर कॉज फाई है ठीक हो गया तो अब हमें मिल गए आर साइन फाइव भी मिल गया हमें आर कॉज फाइव भी मिल गया वही काम उसने यहाँ पे किया कि ये इसके अपोज़िट जो है वो बेसिकली अगर आप देखो तो वो वाई की डायरेक्शन में है ये वाला जो कंपोनेंट है उसने कहा कि वाई इज़ एकल्स टू आर साइन फाई और ये वाला जो कंपोनेंट है जो इसने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास आ गया एक्स इज़ ईक्स टू आर कॉज फाई अब अगर आप देखो तो आपको आर और फाई की वैल्यू पता हो तो आप एक्स निकाल सकते हो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको आर और फाई की वैल्यू पता हो तो यहाँ पुट करके वाई निकाल सकते हो और जी वही है जो सिलेंडिकल uh, में है वही रेक्टेंगुलर में है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम क्या करेंगे एक्स इज एक टू आर कॉस फाइ ये इधर से निकला है आर वाई इज ईक्ल्स टू आर साइन फाई ये इधर से निकला है और जी हमारे पास सेम ही होगा अब अग, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स हैं और हम उससे सिलेंडिकल uh, में जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो गया हमारे पास अब एक्स वाई और जी अवेलेबल हैं हम आर फाई और जी निकालना चाहते हैं तो जी तो सेम है अब हमें ये चाहिए कि आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई और फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई तो वो हमने यहाँ से देखा कि अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यही हमारे पास जो है वो क्या उसका नाम है ट्राइंगल होगी जो हमारे पास पहले थी ये वो चीज़ें हैं जो हमने पहले निकाल ली थी ये हमारे पास एक ट्राइंगल है अब हमें पता है कि हम हाई निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी मतलब अगर हमें एक्स की वैल्यू पता है वाई की पता है तो हम यहाँ पुट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं सिमिलरली अगर हम फाई निकालना चाहते हैं और इन टर्म्स ऑफ़ एक्स एंड वाई निकालना चाहते हैं तो इसी चीज़ को हम देखेंगे दोबारा कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमें बेस और परपेंडिकुलर की उसके ऊपर देता है तो वो हमें पता है कि जो टेन होता है वो होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस और यहाँ पे प्रिपेंडिकुलर हमारे पास y है और बेस हमारे पास x है तो tan phi हमारे पास y ओवर x हो गया यानी कि अगर हम phi की वैल्यू निकालना चाहें तो phi की वैल्यू हमारे पास निकलेगी tan इनवर्स y ओवर x वंस अगेन इफ़ वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ़ y एंड x देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ़ phi z जो है वो हमारा हमने पहले कहा था कि दोनों केसेस में सेम ही होता है तो अब पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख ली कि अगर हम जाना चाहते हैं एक्स वाई जी से आर फाई और जी में तो वो कैसे जाएंगे और अगर हम जाना चाहते हैं आर फाइव जी से एक्स वाई जी में तो वो कैसे जाएं बट दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट्स ओनली कि अगर हमें पॉइंट्स एक्स वाई जी में दिए हुए हैं और हम उसको चेंज करना चाहते हैं इसकी एक एग्जाम्पल आगे आएगी हम उसको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा करूँ वैक्टर रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे तो वैक्टर रिप्रेजेंटेशन ए जो सरेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हम अगर आ, अपना जो कन्वेंशनल मेथड है उसको फॉलो करें तो आर हैट ए आर प्लस फाई हैट ए फाई प्लस जी हैट ए जी ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है या अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर हम कहना चाहें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इसके बराबर है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास पहले हुआ करता था फिर आ जाते हैं जी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स अब वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट और थॉर्मनल कोर्डीनेट सिस्टम दैट मींस कि एट एनी पॉइंट आपके ये जो तीनों एक्सेज हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज़ के ऊपर हैं वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जी और जो फाई है इसके दरमियान में भी नाइन्टी डिग्रीज़ है और सिमिलरली जी और आर के दरम्या में भी नाइन्टी डिग्रीज़ है आर और फाई के दरम्यान में भी नाइन्टी डिग्रीज़ है तो हम देखें कि ए आर डॉट ए आर क्या होगा तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम या पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज वन तो टू सेम वैक्टर्स की हमने डॉट प्रोडक्ट ले ली यूनिट वैक्टर्स की तो वो हमारे पास वन आ गई आर डॉट आर फाइव डॉट फाइव जी डॉट जी वो वन और अगर हम लें परपेंडिकुलर की तो वो आर डॉट फाइव फाइव डॉट जी आर डॉट जी ये हमारे पास हमेशा ज़ीरो होंगे डॉट प्रोडक्ट्स एज यूजल जैसे हमने पहले पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट्स वंस अगेन वी हैव टू फॉलो द साइक्लिक ऑर्डर और अगर हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स टू सेम पैरेलल यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज ज़ीरो तो ए आर क्रॉस ए आर ए फाई क्रॉस ए फाई एंड ए जी क्रॉस ए जी ऑलवेज बी ज़ीरो एंड आर क्रॉस फाई दैट विल बी इक्वल्स टू जी और फा क्रॉस आर विल बी इक्वल्स टू माइनस जी हैट सिमिलरली फाई क्रॉस जी विल बी इक्वल्स टू आर और जी क्रॉस फाव विल बी इक्वल्स टू माइनस आर हैट एंड जी क्रॉस आर शुड बी इक्वल्स टू फाई और आर क्रॉस जी शुड बी इक्वल्स टू माइनस फाई हैट तो ये हमारे पास वही चीज़ें हैं सिर्फ हमने उसको इस परस्पेक्टिव में देख लिया कि सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं यूनिट वेक्टर्स के वो क्या होंगे अब वो कहता है अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास दो वैक्टर्स हैं एंड बी एंड बोथ ऑफ देम आर इन सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो एडिशन क्या होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले होती है ये देखो आपके पास ए भी सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है बी भी सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंशनड है अब वो क्या कर रहा है वो ये कह रहा है कि हम इसको ऐड कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो वो हम जैसे पहले कर चुके हैं क्योंकि दोनों सेम ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही वही मेथड फॉलो करेंगे आर के अंदर जो है वो आर हैट वाला जो होगा वो ऐड अप हो जाएंगे फाइव हैट वाले जो होंगे वो ऐड अप हो जाएंगे जी हैट वाले जो होंगे वो ऐड अप हो जाएंगे इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा डॉट uh, प्रोडक्ट भी वैसे ही निकलेगी जैसे कर्टीजन के केस में निकली थी क्रॉस भी वैसे ही निकलेगी जैसे कर्टीजन के केस में निकली थी ठीक है अब सेकंड uh, जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि ए सिलेंड्रिकल में है और बी रेक्टेंगुलर में है अब ए सिलेंडिकल में और अगर बी रेक्टेंगुलर में है, तो ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं ना हम इसको इस तरह से सबट्रैक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ अरिथमेटिकपरेशन ऑन दीज टू वैक्टर्स बोथ ऑफ देम हैव टू बी इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास दो चॉइसेस हैं इधर Uh, हम जो दोनों को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले आए या हम दोनों को सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले आए तो हम दोनों केसेस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम वो केस देखते हैं जिसमें हम सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर में लेके आ रहे हैं कि हम फर्ज़ कर रहे हैं कि बी हमारे पास जो था वो रेक्टेंगुलर में था ए सिलेंडिकल में था तो हम अब चाह रहे हैं कि हम अपने सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेंशन वेक्टर को हम इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन करें तो मतलब क्या हुआ इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि ये जो इस वक्त हमारे पास वेक्टर गिवन है जो ए आर और आर हैट और ए फाई और फाई हैट और ए जी और जी हैट की फॉर्म में दिया हुआ है हम ये चाहते हैं कि हम ए आर को ए फाई को ए जी को ये हम इनको इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स ए वाई ए जी मैंशन करें सिमिलरली हम आर हैट को हम फाई हैट को हम जी हैट को इन द फॉर्म ऑफ एक्स हैट वाई हैट और जी हैट मेंशन करें इससे हमने इसकी तरफ मूव करना है ठीक है तो ये हमारा गोल है अब हमें ये पता है कि हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी एक वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट किसी ख़ास डायरेक्शन में है तो हम ये करते हैं कि हम उसका उस डायरेक्शन के साथ उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो अब हमारा काम यह है कि हम एक को एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में भी देखना चाहते हैं ए वाई की डायरेक्शन में भी देखना चाहते हैं ए जी की डायरेक्शन में भी देखना चाहते हैं और हमारे पास मैंशन ये इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम करेंगे क्या कि हम जो ए वैक्टर है एक्चुअली पूरा वैक्टर उसका हम डॉट प्रोडक्ट अगर हम ए एक्स के साथ ले लें या ए का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट एक्स हैट के साथ ले लें तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ऑब्वियसली एक्स की होगी हमें पता है वो वो कंपोनेंट होगा जो एक्स की डायरेक्शन में होगा सिमिलरली ए का अगर हम डॉट प्रोडक्ट वाई हैड के साथ ले लें तो जो कंपोनेंट मिलेगा वो ए वाई होगा वो वाई की डायरेक्शन में होगा और ए का अगर हम डॉट प्रोडक्ट जी की डायरेक्शन में ले लें तो वो हमें ए जी दे देगा ठीक है तो ये चीज़ इस लॉजिक को यूज़ करते हुए वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहा है उसमें उसने क्या किया एक्स निकालने के लिए ए डॉट एक्स हैड कर लिया सिमिलरली वाई ए वाई निकालने के लिए ए डॉट ए वाई या वाई हैट कर लिया ए जी निकालने के लिए उसने ए डॉट जी हैड या ए जी कर लिया ठीक है अब इसके अंदर उसने यहाँ पे वैल्यू वो पुट की जो उसके पास थी ये डॉट प्रोडक्ट में एज इट इज़ आ गया वैल्यू पुट की उसने तो यहाँ पे हमें नज़र आया कि ए आर आर हेट डॉट ए एक्स आ गया फिर अगले ने मल्टीप्लाई होना है ए फाई फाई हैट डॉट ए एक्स आ गया सिमिलरली अगला अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई मेन मसला हमारे पास ये है कि हमें ये नहीं पता कि ए आर डॉट एक्स क्या है हमें ये नहीं पता कि ए फाई डॉट एक्स क्या है हमें ये नहीं पता कि ए जी डॉट एक्स क्या है ये तो हमें पता था कि ए आर डॉट ए आर क्या है यह हमें ये भी पता था ए आर डॉट एफ आई क्या है क्योंकि वो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे लेकिन अब ये आ गया है जो डॉट प्रोडक्ट आ गया है ये आ गया है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में के। तो इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए इसको अगर इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम हल करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो हम एक्स को इन द फॉर्म ऑफ आर लिखें यहाँ पे एक्स को इन द फॉर्म ऑफ आई लिखें यहाँ पे एक्स को इन द फॉर्म ऑफ जी लिखें या फिर ये हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी डॉट एक्स ये क्योंकि सेम ही है ये दो हमारे पास मेन मुसीबतें हैं ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं ये चैलेंजेस हैं है। तो हम क्या करेंगे हम ये कोशिश करेंगे कि हम ए आर को इन टर्म्स ऑफ ए एक्स या ए वाई मैंशन कर लें इसी तरह हम ए फाइव को इन टर्म्स ऑफ ए एक्स या ए वाई या ए जी मैंशन कर लें ठीक हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि हम आर को देखेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या है हम देखें फाइव को वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या है हम ये वैल्यू जब हमें निकल आएगी तो हमारे पास जो भी जवाब आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स हैट वाई हैट होगा और वो जब हम डॉट प्रोडक्ट उसका एक्स हैट के साथ आराम से ले सकते हैं ठीक हो गया तो ए आर ये इसने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया ए आर ए फाई ए जी साइड पे आ गया अब ए आर डॉट ए एक्स ए आर डॉट ए वाई ए आर डॉट ए जी अब अगर हमें ए आर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स या ए वाई मिल जाए या फिर इन द फॉर्म ऑफ एक्स हैट वाई हैट मिल जाए तो हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है हम यहाँ सिंपल वो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स डॉट एक्स होगा तब भी पता लग जाएगा वाई डॉट एक्स होगा तो क्या वैल्यू होगी वो भी तब भी पता लग जाएगी तो मेन मकसद हमारा है कि हम ए आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स हैट वाई हैट लिखें इसी तरह हमारा अगला मकसद है कि हम ए फाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स हैट वाई हैट लिखें ठीक है तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं हम दोबारा से मूव करते हैं अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम अब वो जो पीछे हमने देखा था हम उसको ऊपर से देख रहे हैं क्यों ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि हम देखना ये चाह रहे हैं कि फाई और आर फाई हैट और आर हैट जो है हमारे पास वो इन टर्म्स ऑफ एक्स हैट और वाई हैट क्या होंगे तो उसके लिए हमने ड्रॉ किया एक्स वाई प्लान एक्स वाई प्लान हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि इधर वाई है और इधर एक्स है वही वाली डायग्राम है जो हमने देखी थी ये वाली अब आप फर्ज़ करो कर रहे हो कि आप ऊपर से देख रहे हो तो जी एक्सेज आपको नज़र नहीं आ रहा आपको एक्स एक्सेज नज़र आ रहा है आपको वाई एक्सेज नज़र आ रहा है आपको, आपको ये लाइन नज़र आ रही है आपको फाई नज़र आ रहा है ठीक है ये सारी चीज़ें हैं और ये आपको ये भी नज़र आ रहा है ए जी आपको ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा ए फाइव नज़र आ रहा है और ए आर नज़र आ रहा है क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं ठीक है तो आपको ए फाइव नज़र आ रहा है और आपको ए आर नज़र आ रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये आपके पास एक्स है ये आपके पास वाई है ये वो डॉटेड लाइन जो मैंने आपको कहा और ये वो यूनिट फैक्टर्स हैं जो हम ऊपर से देख रहे थे तो हमें नज़र आ रहे थे जो टेंजेंट थी ये टेंजेंट हो गया ए फाइव का और ये हमने कहा था हमेशा ओरिजिन से आउटवर्ड्स डायरेक्ट कर रहा होगा तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये ए आर हैट है और ये ए हैट है ये हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स है अब हमारा जो मेन काम था जो मेन गोल था यहाँ पे वो ये था कि हम आर हैट को या ए आर हैट को हम मेंशन करें इन द फॉर्म ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड इट्स वाई कंपोनेंट तो इसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर लें तो दो कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए और एंगल देखें तो एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है ये प्लस ये इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये है तो एंगल यहाँ है इस एंगल के अपोजिट जो कंपोनेंट है उसको हम बोल देंगे कि वो हमारे पास साइन कंपोनेंट है सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास कॉज कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है एक्स की डायरेक्शन है ये जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है वाई की डायरेक्शन है ठीक हो गया तो हम अमूमन इस तरह से इसको लिख लेते हैं फिर आ जाता है हमारे पास ए फाइव अब ए फाई जो है या फाइ हैड जो है इसको अगर हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो एक कंपोनेंट हमने ये बना लिया एक हमने ये बना लिया तभी रिजल्टेंट ये बनेगा ठीक है अब अगर हमने एक कंपोनेंट ये बना लिया एक ये बना लिया तो एंगल कहाँ है एंगल हमारा ये है ठीक है ये एंगल है तो सॉरी uh, ये एंगल नहीं है ओबियसली दिस इज़ अ मिस्टेक ये एंगल नहीं है एंगल हमारे पास ये है क्यों ये है क्योंकि ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ये हमें रिवर्स नज़र आ रही है एक्चुअली में हमारे पास ये बन रहा था ठीक है ये बन रहा था और ये बन रहा था लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शंस जो है वो हमारे पास रिवर्स है तो जो इसका एंगल बनेगा हमारे पास वो इस साइड पे बनेगा जो फाई का वाई के साथ बन रहा है ठीक हो गया तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम देखेंगे इसके अपोज़िट हमारे पास साइन कंपोनेंट आ गया और जो दूसरा कंपोनेंट था वो हमारे पास कॉज कंपोनेंट आ गया अब हम क्या कर रहे हैं ये देखें कि यहाँ पर माइनस क्यों आया है माइनस हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हमने इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना था इसकी डायरेक्शन के लिए इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स्ट है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जबकि एक्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम यूनिट वैक्टर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस ए एक्स है या फिर ये माइनस एक्स हैट है इसकी डायरेक्शन और साथ साइन फाइव ठीक हो गया सेकेंडली हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है इसमें हमें माइनस क्यों नहीं लगाना पड़ा क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई ही है तो यहाँ पे हमें माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा एंगल वाली बात को हम एक दफ़ा से फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल यहाँ पे क्यों नहीं है यहाँ पे क्यों है क्योंकि जो हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा फाई है अगर हम फाई की बात करें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी ठीक है ये जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी और फाई हम मैयर कर रहे थे हमेशा एक्स एक्सिस से कि एक्स एक्सिस से फाई की वैल्यू क्या है हमारा गोल ये था कि हम जवाब जब निकालें तो वो इन टर्म्स ऑफ़ फ़ाई ही निकले और एक इन टर्म्स ऑफ आर ही निकले कोई तीसरी चीज़ हमारे पास ना आए तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जा रही थी और ये हमारे पास एक्स एक्सिस था तो ऑब्सली ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल यहाँ पे भी फाई होगा क्योंकि यहाँ पे भी फाई है अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे एंगल जो है वो हमारा जो एंगल ऑफ़ इंटरेस्ट है वो इधर बन रहा है या इधर बन रहा है उसमें हम ए, टेल्स वाली बात को फिलहाल इग्नोर करके हम ये देखेंगे कि हमारा एंगल किस साइड पे बन रहा है फाये किस साइड पे बन रहा है जो एंगल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा ठीक है तो वो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा ये आपके पास एक लाइन है ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास एक एंगल है अब ये जो लाइन है आपके पास बेसिकली ये वो लाइन है जो इस लाइन के राइट right एंगल के ऊपर है ठीक है इस लाइन के राइट right एंगल के ऊपर है इस लाइन को अगर आप आगे लेते जाओ तो ये यहाँ टच करेगी तो ये जो एंगल बनेगा ये ऑल्टरनेट एंगल है ये जो एंगल बनेगा ये वही एंगल है जो ये वाला एंगल है ठीक हो गया इस वजह से हमने ये एंगल लिया है ये वाला जो एंगल है ये इसके साथ बन रहा है ठीक है और ये इसके प्रपेंडिकुलर है तो ये कभी भी फाई के बराबर नहीं हो सकता अगर आप इस बात को समझो तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता था ये होते थे ना ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल जो थे हमारे पास अगर ये दोनों लाइन ऐसे हैं तो ये दो एंगल जो है हमारे पास ये बराबर होंगे वही बात यहाँ पे आ रही है हमारे पास ये जो दो एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं बराबर हैं वो इसके परपेंडिकुलर और उसके दरम्यान में अभी भी इसके अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंटरेक्टिव सेशन के एंड में मुझे बता सकते हो तो हम इसको थोड़ी और ब्रेन स्ट्रामिंग इसके ऊपर कर लेंगे लेकिन बेसिकली ये उस थ्योरम के ऊपर लेके चल रहा है और अल्टरनेट एंगल्स ये इसके अंदर बन रहे हैं तो ये हमने देख लिया कि ए फाइव जो हमारे पास था या फाइव hat जो हमारे पास था ये इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कॉस फाइव ए फाइव माइनस कॉस फाइव ए वाई या कॉस फाइव वाई hat वो उसने यहाँ पे लिख दिया ए फाइव हमारे पास आ गया माइनस साइन फाइव ए एक्स या एक्स hat और इसी तरह कॉज फाइव ए वाई इसी तरह जब आप ए आर की तरफ मूव कर रहे थे ये वाला तो इसके अंदर जो आपके पास uh, कंपोनेंट से वो थे कॉज फाइव ए एक्स प्लस साइन फाइव ए वाई वो उसने कॉज फाई ए एक्स प्लस साइन फाइव ए वाई निकलिया अब अगर आप देखो तो आपको ए आर ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में मिल गया ए फाई ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में मिल गया ये वैल्यू इफ़ यू पुट दिस वैल्यू बैक इन टू दिस मीट्रिक्स एयर तो ए आर डॉट ए एक्स था ठीक है अब ए आर की वैल्यू है ए एक्स ए वाई ए वाली अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू क्या निकली इस इस वाले हिस्से की वैल्यू क्या निकलेगी ए आर डॉट एक्स यहाँ पे ये वैल्यू बूट की तो कॉज फाइ आएगा ए वाई डॉट एक्स ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो इधर आ गया हमारे पास कॉज फाइ ए आर डॉट ए वाई जब ए आर डॉट ए वाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा साइन फाइ आएगा ठीक है तो इधर आ जाएगा हमारे पास साइन फाइ सिमिलरली ए आर डॉट ए जी था तो ए आर डॉट ए जी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है तो यह, यहाँ पे वैल्यू जीरो अब आ जाते हैं ए फाइव डॉट ए एक्स की तरफ ए फाइव डॉट ए एक्स करेंगे तो जवाब आएगा ऊपर माइनस साइन ठीक है सिमिलरली ए फाई डॉट ए वाई देखेंगे तो ए फाइव डॉट ए वाई करेंगे तो जवाब आएगा कॉज फाइ, इधर आ गया कॉज फाइ, और ए फाइव डॉट ए जी दोनों परपेंडिकुलर हैं ज़ीरो हो जाएगा ए जी डॉट एक्स दोनों पर पेंडिकुलर हैं ज़ीरो ए जी डॉट ए वाई दोनों पर पेंडिकुलर हैं जीरो ए जी डॉट ए जी दोनों पैरेलल हैं, हैं तो ये बन हो गया तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गई वो क्या बन गई ये जो अंदर वाली थी ये बन गई कॉस फाइ माइनस साइन फाइ ज़ीरो इधर आ गया साइन फाइ इधर आ गया कॉल फाइ इधर आ गया फिर ज़ीरो 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 वन ये आ गया और इधर आपके पास आ गया ए ए आर फाइव और ए जी इस मैट्रिक्स को अगर आप राइट साइड पे जो आपके पास है इसको अगर आप खोल लोगे तो आपको तीन इक्वेशने जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगी आपको ए एक्स इन टर्म्स ऑफ ए आर ए फाइव ए जी मिल जाएगा ए वाई जो है वो ये इन टू ये तो इन टर्म्स ऑफ ए आर ए फाइव ए जी मिल जाएगा और ए जी और ए जी तो वैसे दोनों सेम है तो इसमें मसला कोई नहीं ठीक हो गया तो हमारी कन्वर्जन हो गई हमने क्या किया है हमने ए आर को एक्स को ए आर को ए को और ए जी को इन द फॉर्म ऑफ एक्स ए वाई ए जी लिख लिया अब आप देखो तो उसने ये वैल्यू एक्स की निकाली ये वैल्यू ए वाई की निकाली और ये वैल्यू ए जी वो एज़ इट इज़ ये कैसे निकली है ये इसी तरह निकली है ये इन ये एक्स निकालना है तो एक्स इजिकल्स टू कॉज इंटू ए आर प्लस जो यहाँ माइनस लग के माइनस साइन इंटू ए ज़ीरो 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 ठीक हो गया ये आ गया हमारे पास एक्स इसी तरह ए वाई निकालना है तो ये वाला ये वाली रो और ये कॉलम ये आ गया और ए जी निकालना है तो ये वाली रो और ये कॉलम पहले दो ज़ीरो हो गए और नीचे ए जी इज टू ए जी निकल आया ठीक है तो अब हमारे पास क्या हुआ है हमारा वेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्रॉम सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हम फिलहाल के लिए इसको डिसकन्टीन्यू करते हैं इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और इसका जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखें पहले हम सिलेंडिकल से रेक्टेंगुलर में तो आगे अब हम ये देखेंगे रेक्टेंगुलर से सिलेंडिकल में किस तरह से जाना है और फिर उसके बाद हम लोग ये देखें कि नेक्स्ट uh, जो है हमारा जो इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्पल है वो हम उसको सॉल्व कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्चुअल वेक्टर इन एन एक्चुअल प्रॉब्लम वो किस तरह से होती है uh, ताकि हम उसको uh, एक दफ़ा अप्लाई कर लें और ये चीज़ हमारे जहन में जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए तो फार so अगर इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैम इन सेशन ठीक है दिस इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू